अस्सलाम वालेकुम खातिनों हजरात, सबसे पहले कि 2019 का सवाल है, जब तक ये वीडियो पोस्ट होगी तब तक इंशाल्लाह 2020 का भी निकल आएगा। इस वक्त जो है हमने आपको हमारे कायदे आज़म और हॉलीडे सीजन के शो के अंदर जो है बेसिकली हमारे सारी VCL टीम से आपको मिला है। उस दिन जो इवेंट में एक्शन थे हमारे VCL के जो है ना सुपरस्टार बुलेट वो आज हमारे साथ मौजूद है। खैर, इस इवेंट के अंदर हमारी VCL फैमिली बैठी है और हमारी फैमिली की तरफ से आपकी फैमिली को बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। ओके जी, इस वक्त जो है जनाब मेरे साथ जो है पैनल पर बैठे हैं उसामा बट EZB हसन और साया एंड उस्मान द बुलेट खान और मैं शेख सुल्तान साहब ये पैनल पूरा का पूरा होस्ट कर रहा हूँ 2020 का। बेसिकली मैं उसामा से स्टार्ट लेता हूँ अपने लेफ्ट हैंड साइड से और मैं पूछना चाहूँगा कि उसामा 2019 में बेसिकली आपने क्या अचीवमेंट सोची थी जो आपने अचीव की? जैसे कि हमने डिस्कस किया था लास्ट ही इवेंट में भी, सबसे मंजर चीज़ जो मिल रही थी वो मेरा एमएमए टैग थी। उसके बाद अब आके जब चांस मिला फाइट का तो फाइट ली और थ्री डेज नोटिस था, कोई खास तैयारी कर नहीं सके लेकिन बस कॉन्फिडेंस था जाकर फाइट की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। उसके बाद जो मैं कोचिंग कर रहा था मुझे एक बिजनेस क्लास स्टार्ट करने का मौका मिला था VCL में, उसको हम लेके चले आ गए और उनकी हमने एमेच्योर फाइट्स के बनाई, वो बड़ा मज़ेदार सीन था। पूरा इग्निशन इवेंट हमने उसमें किया था और बॉयज़ ने बड़ा प्रोफेशनली पेश किया, उन्होंने ट्रेनिंग की इस तरह वेट कट्स किए, प्रोफेशनली फाइट्स की और बड़ा अच्छा आउटपुट देखने को मिला कि विद इन मंथ्स जो कि कुछ भी नहीं होता है कभी एक एथलीट स्टार्ट करते उसकी बेस बिल्ड करने में ज़्यादा साल लग जाता है, उन्होंने विद इन 3 to 4 मंथ्स ट्रेनिंग करके वो एमेच्योर फाइट्स अपनी क्लेम की हैं। तो मैंने वो बड़ी और जैसे जैसे 2020 आ रहा है तो उसके लिए इन शाला 5 वर्ष पे भी हम देख के आएंगे और एमएमए को ठीक से ठीक करें। असर मेरा सवाल यही आपसे है कि क्या आपने अचीव किया और क्या न्यू रेजोल्यूशन है? 2019 मेरे लिए बड़ा जो है ना वो लर्निंग था, काफ़ी कुछ मैंने उसमें सीखा और काफ़ी कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उसमें करना चाहिए जो मैं नहीं कर सका, तो आगे मेरा प्लान है चलो 2020 में VCL में रह के वो कुछ किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर अचीवमेंट की बात की जाए तो नेशनल गोल्ड हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मुझे मौका मिला मलेशिया में परफॉर्मेंस देने का, मलेशियन ओपन 2019 में मैं ब्रॉन्ज मेडल जीता है पाकिस्तान के लिए, तो यही मेरे लिए सबसे अच्छा था क्योंकि मैं ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान के लिए कुछ किया मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह आगे 2020 है तो अभी तक तो मैंने एक्टिव फाइट काफ़ी की हैं लेकिन अभी प्रो फाइट इंशाल्लाह 2020 भी आपको देखने को मिलेगी जल्द अज जल्द, तो इसी तैयारी है 2020 में तैयारी होगी। तो स्टूडेंट्स का जहाँ तक सवाल है तो कोचिंग भी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे तो मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह का भी आगे बड़े बनाए थे मेरे लिए 2020 में, मैंने उनके लिए काफ़ी कुछ सोच रखा है उनको कैसे तैयार करना है कैसे उनको फाइट लेके देनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह काफ़ी प्लान है सर। आप देखेंगे 2020 में 2020 के बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट जो है आपके सामने इंशाल्लाह, हसन ने हमेशा रिजल्ट्स दिए और सामने ने हमेशा रिजल्ट्स दिए और आपको मैं अब मिलवाना चाहता हूँ जो हमारे VCL की सबसे कैरिस्मेटिक और डाइवर्स पर्सनैलिटी है वो और कोई भी नहीं है, वो बुलेट है और बुलेट मेरे साथ बैठे हैं। कैसे आप बुलेट? ठीक ठाक है, शुक्र है। आपका जुड़ना VCL के साथ जो है अराउंड मई में हुआ और VCL जो थी एक बड़े चेंज से उस वक्त गुजर रही थी, आपका जुड़ना जो है ना तो सिर्फ हमारे लिए एक बार एक्सपीरियंस था। भैया मैं अभी बात काटूंगा जी जी, मुझे किसी ने रेफर किया था आपके पास बिल्कुल और मैंने आपको कॉल की और आपने बिल्कुल घास नहीं डाला, फिर जब मैं जिम में स्टार्टिंग ले ली और आप मेरे ख्याल से इस्लामाबाद में थे जी जी, तो आप आए और आपने देखा ये बंदा एक्सरसाइज कर रहा है और जोशीला है, फिर सर आपने फिर मेरे को मेहनत की और मेरे मसल्स वापस बिल्ड होना शुरू हुए, काफ़ी बेहतर हो गया है, बोन स्ट्रक्चर बेहतर हो गया है, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा था। लेकिन साल वही सबसे अच्छा होता है जिसमें आप मदीने की ज़ियारत करते हैं, मक्के की ज़ियारत करते हैं, उससे बेहतर कोई साल नहीं होता तो ये साल उस लिहाज से तो बिल्कुल भी फर्क है और इंशाल्लाह 2020 में इंशाल्लाह अल्लाह ताला बुलाएगा हमें पे सबको बुलाएगा। और सर दूसरी आपकी आपको लेके भी मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट कि आपकी शादी नहीं हुई, कई साल गुजर गए हैं सर, क्या कहते हैं आप, हाल भी हो गए हैं आपके बिल्कुल, तो क्या कहते हैं आप इस बारे में?
देखिए जी, मैं यही कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला मैंने ज़रदा बनाना सीख लिया। और जब आप अकेले रहेंगे तो आप प्लंग के दोनों साइडों से उतरना भी सीख जाएंगे और ज़रदा बनाना भी सीख जाएंगे। देखिए जी, मैंने ज़रदा बनाना सीख लिया है बुलेट उस्मान, और मैं आपको बहुत जल्दी ज़रदा भी खिलाऊंगा। 20 सर नहीं, हम लाइव बना के दिखाएंगे, क्योंकि 2020 में दो अंडे आते हैं तो ज़रदे के ऊपर हम दो अंडे का ऑमलेट भी डाल देंगे। बिल्कुल, ठीक है ना जी। मगर मैं चूँकि ना हम लोग अब आपको जो उतार अपनी फैमिली से करा रहे हैं, और उस्मान भाई जो है जिस तरह से इनकी बहुत खुशगवार नेचर है और शुक्र भी लगाते हैं, मजाक भी करते हैं, तो बेसिकली मई के अंदर जो है इनका जुड़ना हमारे साथ हुआ और इन्हें ट्रेनिंग शुरू की। जब इन्हें ट्रेनिंग की तो इनने जिम में जो है अपनी ट्रेनिंग की वापसी इस तरह से की कि इन लड़कों को ट्रेनिंग कराने में हेल्प करनी शुरू कर दी, और माशाल्लाह बहुत सारे जिम के लड़के इम्प्रूव कर रहे हैं उस्मान भाई की गाइडेंस के अंडर है माशाल्लाह। और उस्मान जो है बेसिकली जिम का मेंबर नहीं है, फैमिली नहीं है, बल्कि माशाल्लाह अगर ये चार पिलर्स देखे जाए तो उसमें बड़ा एक खास पिलर है, और उसका जो है ये पिलर जो है ये बार बार हमारे एक और पिलर से जाके बचता है जिसका नाम खान बन। तो ये मुझे बताया उस्मान। मैं सर सच बोलूँगा, मैं पहले बता, तो क्या पूछना चाहते हैं आप? अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो है बेसिकली आप लोगों को चैलेंज किया, वही पूछना चाह रहे हैं? बिल्कुल, अभी ना मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ इंशाल्लाह, और जल्दी जल्दी मैं ग्रेट गाली को चैलेंज करूंगा, और अगर मैं उससे लड़ने नहीं जा सका, इंडिया मुझे वीजा नहीं मिला, तो मैं दुबई पे जाकर उसके साथ लड़ूंगा, और दुबई में उसको बकायदा टाइम दिया जाएगा। और एक भाई है खालसा, माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, सुपर खालसा, सुपर खालसा मेरे भाइयों की तरह है, और सिख जितने भी हैं सिख कम्युनिटी मेरे भाइयों की तरह है, मैं करता हूं। लेकिन उस बंदे ने उनका नाम बदनाम किया सर, वो लेडीज के साथ क्या क्या हरकतें नहीं कर रहा होता सर, बाहर के मुल्क के अंदर आपने देखा होगा, बिल्कुल, तो उसने सिखों का नाम बदनाम किया, सिख ऐसी हरकतें नहीं करते। तो खालसा और मैं मिल के ग्रेट गाली और खान बाबा दोनों को ठेर करेंगे सर। यार ये तो हार्ट अटैक आ गया। आप जो है ना पैनल चेंज करते हैं, इस पैनल में बहुत ज़्यादा जो है ना बारूद भरती है कन्वर्सेशन के अंदर। वी आर गोइंग बैक टू इजी बी। वैसे ये बताओ कि माशाल्लाह लाइक यू नो इस पूरे साल में तुमने VCL में तुमने अगर टाइम नहीं मनाई है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो तुम्हें क्या नज़र आता है कि VCL की अकॉम्प्लिशमेंट है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बेसिकली माइलस्टोन पॉइंट ऑफ व्यू से भी? स्टार्ट करते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैंने ज्वाइन किया था अप्रैल में, अप्रैल में जो हमारे तीन सेशन ऑपरेट हो रहे थे, मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून सेशन और इवनिंग सेशन। आफ्टरनून सेशन बिल्कुल वैकेंट था, खाली जाता था, कोई बंदा नहीं घुसता था, लेकिन हमारा क्लाइंट जो था मॉर्निंग सेशन में लग रहा था और इवनिंग सेशन में था। आफ्टरनून सेशन में तो मेरे एक पर्सनल अचीवमेंट था कि मैंने आके बिल्ड किया था, उस वक्त मैं मैनेज कर रहा था जिम को, तो एक वो बड़ा अच्छा चेंज आया, क्लाइंट हमारा उस हिसाब से इंक्रीज हुआ था। और जो वैसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जैसे कि पैरा कंस्ट्रक्शन ग्लोबल की सूरत में और प्रो रेसलिंग की सूरत में वो हमारे सामने आई हैं, तो उसको भी हमने अवेल किया, तो ये दो अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी अच्छी थी। और जो हमारा जो बिजनेस पोलियर है वो बड़ा हेल्प करेगा, और जो हमारे इंटरनेशनली एफिलिएशन हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस साल में आई है सामने, तो इंशाल्लाह 2020 में हमारे जो स्टार्टिंग मंथ्स हैं उसके अंदर आपको नज़र आएगा कि जो हमारी एफिलिएशन हैं हम उनके ऊपर काम करके उनको हम लेके आएंगे। सर अगर मैं यहाँ पे उन चार बंदों का जिक्र ना करूँ तो ज़्यादती हो जाएगी। मैं सबसे पहले तो मेरे टीचर हैं मिठू साहब, उनको मैं सलूट करता हूँ, उन्होंने मुझे ग्रैपलिंग की क्लासें दी, एक्सरसाइज सिखाई। दूसरा उस्ताद बाबर हैं, उन्होंने देखा कि मैं मुक्के से डर रहा हूँ, लड़ने से डर रहा हूँ, उन्होंने कहा बेटा इधर आओ, उन्होंने मुझे कुछ सिखाया नहीं है लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया बेटा इधर आओ और ये अपने अंदर से ये जो चप्पल है ना इसको मारो तो फिर तुम फाइटर बनोगे। मोटिवेशन उन्होंने अच्छी दी। फिर सर ने मुझे सिर के ऊपर खड़े होकर ट्रेनिंग कराई, और कैसी ट्रेनिंग कराई कि लेग्स के ऊपर 15 दिन में 7 बंदे खड़े कर दिए, तो सर आपको भी सलूट है। उसामा भाई को सलूट है कि उसामा भाई मुझे एक्सरसाइज करवाते हैं ग्रैपलिंग के अंदर, थकाते हैं मेरा स्टेमिना बिल्ड करते हैं, तो उसामा भाई थैंक यू। और राणा साहब का भी जिक्र करेंगे, राणा साहब नहीं है सर। और एक और सर मेरा सप्लीमेंट कहाँ जाता है सर वो तो मुझे पता है। क्योंकि हमें जो ग्रूमिंग मिली है ना VCL के अंदर वो इन्हीं उस्तादों की बदौलत मिली है, उस्ताद मिठू साहब,
साहब बाबर साहब उस्ताद राणा साहब इन सब ने चीज़ें ऐड करके इस मुकाम तक ले के हैं, इंशाल्लाह आगे भी लेके जाएंगे। बिल्कुल जी, सर मेरी दुआ है कि अपील है मेरे टीचर्स के लिए, मिट्टू साहब की तबीयत खराब है तो सब उनके लिए दुआ करें, फिर जो बाबर साहब हैं उनके लिए भी दुआ किया करें और बाकी टीचर्स के लिए भी प्लीज़ दुआ किया करें। और इंशाल्लाह 2020 में हम बहुत अच्छी फाइटिंग्स लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छे इवेंट्स लेके आ रहे हैं। हम ऐसे इवेंट ला रहे हैं उसकी मिसाल मैं दूंगा कि हम दरिया के अंदर बोट के ऊपर फाइटिंग करवाएंगे, ऐसी आप सोच भी नहीं सकते जैसे थ्रिल्स होंगे इंशाल्लाह 2020 में, तो जल्द आपको देखने को मिलेगी इस तरह की चीज़ें जो पाकिस्तान में क्या दुनिया में कहीं नहीं हुई पहले। नहीं कोई लाइफ जैकेट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, फाइटिंग होगी और दरिया के सेंटर के अंदर होगी, पानी के अंदर होगी और वो आप लोग वो थ्रिल है वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, वो लोग देख ले तो ज्यादा बेहतर है। जो बेसिकली ये मंजर बता रहे हैं, मैंने एक फिल्म देखी थी बचपन में, बल्कि वो फिल्म जो है वो इतनी बड़ी फिल्म है, इतनी बड़ी फिल्म है, उसके बाद वीडियो गेम्स आई, स्ट्रीट फाइटर वाटर वर्ल्ड नहीं स्ट्रीट फाइटर जैसी गेम्स आई, उसके बाद जो है जनाब टेकन जैसी गेम्स आई, किंग ऑफ फाइटर और सबसे बड़ी बात ये है जो बेसिकली ये बीट एम ऑल वाला कॉन्सेप्ट था सेगा का या फिर निंटेंडो का, वो इधर से ही शुरू हुआ। ये बैड टाइम की मूवी थी लाइन हार्ट, अगर आप लोगों को मौका, लाइन हार्ट चिपकों के बीच में लाइटिंग चला के लड़ते थे स्ट्रीट के अंदर, लेकिन उसमें भी वो इवन आपको चीजें नहीं देखने को मिलेगी, मैं कह रहा हूँ किसी फिल्म में नहीं देखने को मिलेगी जो हम करने लगे। बिल्कुल नहीं, मैं लाइन हार्ट में एज अ फैन, लाइन हार्ट का ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था मैं बताता हूँ। उसमें बैंड डैम जो है बेसिकली कोई कहानी होती है कि भाई जो है उसको ड्रग वाले माफिया ने जो है कुट दी है और उसने बदला लेना है, वो माफिया जो है फाइटिंग अंडरग्राउंड फाइटिंग चलाते हैं और डिफरेंट वेन्यूज के लिए फाइट करते हैं। हाँ जी, स्ट्रीट फाइटिंग, और वो वेन्यूज किस तरह के हैं कि जी स्विमिंग पूल खाली है उसके अंदर मैच करा रहे हैं, रेगिस्तान में मैच करा रहे हैं, इस तरह जो है बार के अंदर मैच करा रहे हैं, गाड़ियाँ गोल खड़ी हैं, वो जो जॉन सीना रेडिगुलेरो वाला सीन था ठीक है जी, पार्किंग लॉट में बम फाइट करा रहे हैं, वो बड़ा एक यूनिक किस्म का था। मगर जो उस्मान बुलेट जो है ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं और इंशाल्लाह इसके इख्तिताम पे भी कॉन्सेप्ट को जो है एग्जीक्यूशन पे भी लेके आएंगे, ये बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसमें हम रिंग की जगह जो है नेचुरल हैबिटेट फाइट का जो है वो बिल्कुल बदल देंगे और इंशाल्लाह ताला हम अपने कंटेंट में ये भी चीज़ इजाफा करेंगे। अब मैं हसन की तरफ आता हूँ, वो बताएं कि बिजनेस और माइलस्टोन्स आपकी नज़र में VCL के कौन से गुजरे हैं, ये माइलस्टोन आप निकाल रहे हैं क्योंकि ये माइलस्टोन मैंने मेंशन करना है कि माशाल्लाह जिस तरह तुम ब्रॉन्ज मेडल मलेशिया से जीत के आए थे, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का माइलस्टोन था VCL की टाइमलाइन के अंदर भी, और तुम्हारे ख्याल से इसके अलावा और क्या क्या माइलस्टोन तुमने अभी तक अपने रन में देखे एज ए मैनेजर? मुझे एज ए मैनेजर और कोचिंग करवाते हुए तकरीबन 4 महीने हुए, उससे पहले मैं खुद यहाँ पे ट्रेनिंग करता था राणा साहब के पास, उस्ताद डॉक्टर साहब के पास, तो शेख साहब ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आप आएँ यहाँ पे कोचिंग करवाएँ और ट्रेनिंग भी करें, तो जहाँ तक मैं देखता हूँ कि जो आपको मुझे टाइम टेबल दिया कि आपने इस टाइम में क्लास को हैंडल करना है, इसमें सारा बच्चा मुझे बात की है, मुझे जानकारी दी, तकरीबन उस टाइम पे बहुत ही डेड भी आ रहा था, सिचुएशन ऐसी नहीं थी तो बताया नहीं जा सकता, तो अलहमदिल्ला उस टाइम तो मजा उस टाइम तो मैंने बड़े अच्छे से रिकवर किया। आप सारे यहाँ पे जी बेस्ट हैं और मैं एक और बंदे का जिक्र करूँगा यहाँ पे, फैसल हमारे बीच में मौजूद नहीं है, वो एक दिन भी फीस लेट हो जाए तो वो कहता है फीस किधर है यार, किधर जा रहे हो आप भाई, फीस नहीं आई आपकी, तो सर वो बहुत तंग करता है सर उससे हमारी जान छुड़वाए। फैसल ने जो है इनसे 1 ईयर का भी प्रोग्राम जो है बाय आउट कर रहा है, 1 ईयर प्रोग्राम के अलावा जो है वहाँ पे जो रेगुलर सप्लीमेंट बायर है सर, वो भी तो मुझे सुबह इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी उस चीज़। सर मैं सोच रहा हूँ मेरा सप्लीमेंट थोड़ा सा रह गया है, उसमें अगर मैं नीला थोथा थोड़ा सा ऐड कर दूँ तो आपकी इजाज़त है सर? उसमें मुझे झाग निकला है पता लग जाएगा सर। और दूसरा इधर मैं एक और बात डिस्कस करना चाहता हूँ, कुछ हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे जो फीस पे नहीं कर सकते, लेकिन सुल्तान भाई को मेरा सलूट है कि वो उनको भी मौका देते हैं, और कई मैंने बच्चे ऐसे देखे हैं जो फीस के बगैर यहाँ गेम लगा रहे होते हैं, तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका लोगों को साथ देने का, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, ये स्पेशली लोग मुझे अजीब अजीब बातें करते हैं, कई कुछ कहते हैं कुछ कहते हैं, लेकिन सर आपका सलूट है। थैंक यू सो मच।
आपकी बात को ऐड करता हूँ, बेसिकली इसमें मुझे सलूट नहीं, इसमें हमारे सारे मेम्बर जिसमें आप भी इंक्लूडेड हैं उनको सलूट है, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से हम लोग कर सकते हैं। VCL एक ऐसा अदारा है कि यहाँ जो है अमीर से अमीर तक और बेसिकली गरीब से गरीब तक लड़ते हैं, इकट्ठे ट्रेनिंग करते हैं, अमीर से अमीर तक की फीस से हम लोग जो बेसिकली एक प्रिविलेज घराने से बच्चे नहीं आते हैं और टैलेंटेड होते हैं, उनके टैलेंट के बेस पर वो स्कॉलरशिप देते हैं और उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं, जिस तरह स्पारिंग हो गई, जिस तरह से वेट ट्रेनिंग साथ हो गई अपने टैलेंट के बेस के ऊपर। तो ये बेसिकली आप लोगों की जो सपोर्ट है, आप लोग जो हमें फीस पे करते हैं, उससे हम ना तो सिर्फ इस कम्युनिटी सेंटर का अखराजात उठाते हैं, इवेंट्स करते हैं, बल्कि उस तरह के लड़कों को भी जो है आगे लेके आते हैं जो लड़के फीस नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, और उनके लिए हम एक अपॉर्चुनिटी तैयार करते हैं। वही लड़के जो है फिर आगे जाके जो है इजी भी बनते हैं, वही लड़के जो है हसन बनते हैं, इखलाक बनते हैं, कबीर खान बनते हैं, वहीद खान बनते हैं, ये बहुत ही फख्र की बात है। और ये माशाल्लाह एक सर्कल ऑफ लाइफ है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ स्पोर्ट्स के अंदर ना जी, बात ये है कि जो चीज़ आप कमा लो इन टर्म ऑफ नॉलेज एंड इन टर्म ऑफ एक्सपीरियंस, इसको आपको जो है स्पोर्ट्स को वापस देना ही पड़ता है, और आप ना भी दो तो स्पोर्ट्स वापस लेती है, क्योंकि ये ऐसी एक जुनूनी चीज़ है, ये आपसे नहीं बाहर निकल सकती। मैं आपको आपका एक्सपीरियंस मेरे से बहुत ज़्यादा है जी जी, पर मैंने उस दिन एक देखा बच्चा खाली रोड पे गेम लगा रहा था, तो मैंने उसको कहा कि आप 20 वाली प्लेट लगाओगे, तो मुझे देख के परेशान हो गया। तो सर मैंने 20 वाली प्लेट लगाई और उसको मोटिवेट किया थोड़ा सा, तो उसने 20 वाली प्लेट उठा ली, या 40 के जी उसने उठा लिया। तो जो मोटिवेशन है वो सबसे बड़ी चीज़ है, मोटिवेट करना सर आपके ऊपर खत्म है। आप लोगों को जैसे मोटिवेट करते हैं, जैसे एक जिम में लड़का आता है अभी, उसने फीस भी नहीं जमा कराई होती, वो यार तुम तो फलाना जोन से ना, वो अपने आप को जोन से ना समझता है सर, और फिर वो बन के भी दिखाता है सर। मैंने आपको देखा था उस वक्त आप इतनी शेप में नहीं थे, मगर मुझे पता था पाकिस्तान के आने वाले वक्त में आप हर प्रोग्रेन है, ठीक है ना, और जितनी ज्यादतियाँ आपके साथ कर ली है, जितने टाइम के अंदर जितनी दफ़ा आपको ट्रेनिंग करा दी है, उस तरह से ओके तरीके से आपने कभी क्विट नहीं किया, और माशाल्लाह यू स्टार्ट यू केम बैक ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। और अब हम आप 6 बजे में पता हो सर ने मुझे 960 टिप्स लगवा दी और मैं घर पता नहीं कैसे पहुंचा हूं, गाड़ी मेरे से नहीं चल रही, हाथ मेरे कांप रहे थे। सर सलूट ये मेरा सर को है कि सर जो चाहे करवा सकते हैं, और अगर नहीं कर सकता लड़का तो वो चला जाएगा या नहीं रहेगा, लेकिन जो करने वाले हैं उनके लिए यही प्लेटफॉर्म है VCL, और VCL से सब बेस्ट कोई भी नहीं। ये एक बात मैं भी ऐड करना चाहूंगा कि जब मेरा कंपटीशन था, मैंने तकरीबन 2-3 दिन पहले जाना था एशिया के लिए जाना था, तो मेरी तैयारी नहीं थी, मैं थोड़ा सा अपसेट था, तो सर की मोटिवेशन की बात उस्मान भाई कर रहे हैं, तो सर ने यही कहा यार तू तो हार देगा, तू टेंशन ले रहा, तू पहले गोल्ड है। तो ये चीज़ जो है ना बड़ी ज़बरदस्त बात लगी मुझे, और बड़ा मुझे इस बात ने करेज किया, तो सर थैंक यू। एनी टाइम हमारे साथ हमारे यंग टैलेंट भी हैं शकील, मैं उनको भी अपने साथ ऐड करना चाहता हूँ इस कन्वर्सेशन के। शकील पिज़्ज़ा भाई हमारे साथ बैठे, शुक्रिया। शकील जो है बेसिकली शकील ने अपना एमेच्योर एमएमए का डेब्यू इग्निशन के अंदर दिया था, माशाल्लाह एक काफ़ी सुपर थर्ड राउंड के अंदर परफॉर्मेंस उसकी अच्छी थी, मगर जिस तरह की एक्सपेक्ट की गई थी उस तरह की नहीं थी। इंशाल्लाह ताला हम इस चीज़ की उम्मीद करते हैं कि हम आपसे वो वाली परफॉर्मेंस देखें जो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, और ये है कि इस दफ़ा फिर से शकील ये तो तुम बताओ कि तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था फाइट करने का, और बेसिकली ये पहली फाइट होगा, और भी आप जुमा कहते हैं ना 8 दिन हुए सीखे हैं, मीन्स की 3 महीने की ट्रेनिंग है, 2 महीने की ट्रेनिंग है, तो कैसा फील था? देखिए जो था सिस्टम, पहले तो बंदा नर्वस था कि पहली फाइट है, जब रिंग में गया नर्वसनेस बिल्कुल ख़त्म हो गया, एक्साइटमेंट थी, और कुछ डे ड्रीमिंग की वजह से ना बहुत ज़्यादा मैंने मार खाई, मेरे जहन में था कि मैं उसको पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दूँगा, लेकिन जब मैंने 25 मारे तो वो तो नॉकआउट नहीं हो रहा, और पहले राउंड में मैंने बहुत मार खाई, तो फिर मैंने ये समझा कि इसका बॉक्सिंग स्टाइल है, तो इसको मैं ग्राउंड पर लेके जाता हूँ, ग्राउंड पर मैं ज़्यादा मेरा एडवांटेज रहा। असल में पता क्या बात है, बात ये है कि ना मेरी एक एडवाइस है जो लिसनर्स सुन भी रहे हैं और अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ्स हो ना
आपको उसके अंदर बेसिकली जो फाइट एग्जीक्यूट करनी चाहिए, वीकनेसेस को आपको ना ज़्यादातर निगलेक्ट ही करना चाहिए। मैं चाहूँगा कि इजी वापस आए। इधर एक बड़ी मज़े की स्टोरी मैंने शेयर करनी है हमारे व्यूअर्स के साथ। आपकी गलती ये शकील कि हमजा की स्ट्रेंथ थी बॉक्सिंग, वो इतना टाइम उसको ट्रेनिंग का होगा जितना आपको ट्रेनिंग का टाइम है, बट ही ट्रेंड इन बॉक्सिंग विद हसन ऑल दिस टाइम, ठीक है ना। तो आप उसके गेम में बार बार स्टेप इन कर रहे थे। एमएमए इतना बड़ा दायरा है ना कि उसके अंदर बेसिकली ना स्टेप इन करने के बहुत सारे जो है ना बॉर्डर्स होते हैं, और आप बार बार उसी के बॉर्डर में बार बार फैला गए थे, तो आप कुट भी खा रहे इसके थे। और तो बिकॉज ऑफ मोर टेक डाउन्स एंड मोर स्किल्स आप जीत गए, मगर वही वाली बात है कि आप उसकी फाइट में जाके फाइट कर रहे थे। तो ये बात है। जहाँ तक ईजी की बात की जाए, हम इसी तरह की बात कर रहे थे। मुझे याद है कि मैंने इनटू द फायर से पहले उसामा के साथ मीटिंग की। मैंने कहा यार तुम्हारा क्या प्लान है फाइट करने का, उशर के साथ तुम्हारी 3 दिन के नोटिस पर फाइट है, क्या करोगे? तो इसने मुझे ना बड़े फैंसी तरीके से कहा सर मैं पहले ना 1 मिनट उसको चेक करूँगा, फिर उसको चेक करने के बाद जो है ना मैं उसके साथ जो है पहले किक बॉक्सिंग करूँगा कि वो थक जाए, फिर उसके बाद जो है मैं अपनी दूसरी गेम उसके साथ स्टार्ट करूँगा जो मेरा फाइट प्लान है। मैं कहा नहीं आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। कहते हैं अच्छा क्या क्यों सर क्यों मैं इसका क्यों ना करूँ? कहते हैं यार आप इसलिए ना करो क्योंकि आप उसकी गेम के अंदर ना स्टेप इन करो फिलहाल। आप जो है जो आपका फॉर्मूला 1 हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, आप उसी के अंदर जो है स्टेप इन करो, मगर इस तरीके से। और मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ की कि फाइट के अंदर जो है बेसिकली उसामा ने उसको सांस ही नहीं लेने दिया, और बार बार फॉर्मूला 1 जो हमने डिस्कस किया हुआ था कि हमने किस तरह से उसको ग्राउंड एंड पाउंड की तरफ लेके जाना, बिकॉज दैट्स द फिनिशर, GNP was the finisher। तो उधर ले जाने के लिए माशाल्लाह उसामा उसको 3 राउंड में लेके गया है, और आखिरी राउंड में तो फिर उसको चेती कर दिया ना आखिरी 10 सेकेंड से पहले पहले। और इंशाल्लाह हम उशर को भी बहुत बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, मगर ये है कि उसामा को इंशाल्लाह हम देखते हैं आगे कि अब नेक्स्ट चैलेंज उसामा के लिए कौन सा आएगा, कैसा आएगा। वी आर ओपन टू ऑल काइंड ऑफ फाइट्स इन MMA फॉर द वेट कैटेगरी ऑफ 60 to 65 किलोग्राम्स, और इंशाल्लाह जब हमारा इंटर द फायर टू आएगा तो उसके अंदर फिर सब सामान को लेके आएंगे। कमिंग बैक टू हसन, हसन जो है बेसिकली एक हमारा बहुत कड़ाकेदार किक बॉक्सर है, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मैं हसन को जो है किक बॉक्सिंग के प्लेटफॉर्म में देखूँ। VCL का किक बॉक्सिंग इवेंट बहुत जल्दी आने लगा है Waheed 1 के नाम से, और इंशाल्लाह हम उसमें हसन का डेब्यू करवाएंगे, जिसमें इंशाल्लाह आपको हसन जो है अपने सारे के सारे हुनर दिखाएगा बेहतरीन किस्म के। ये हमारा 2020 का प्लान है। फिर हमारे पास जो एक सबसे बड़ी बुलेट है, बुलेट को इंशाल्लाह ताला हमने डेब्यू देना है प्रो रेसलिंग के अंदर, और स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे के साथ हम स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे की खोज में है कि कौन बुलेट से आकर टकराएगा। तो ये जो है हमारे 2020 के एस्पिरेशंस हैं। अब मैं वाइंड अप करता हूँ लबोलबाप 2020 पे जाने से पहले कि VCL क्या इस वक्त जो है ना अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं 2019 के अंदर। स्प्रिंग मेनिया स्पॉन्सर्ड बाय LTN पूरा का पूरा शो, ठीक है ना जी। ना तो सिर्फ LTN ने हमारा प्रो रेस्लिंग का इवेंट स्पॉन्सर किया हाई प्रोडक्शन के साथ, बल्कि उनने हमारा MMA का भी जो है शो जो है बेसिकली स्पॉन्सर किया था, और वो शो जो MMA का था इट इज़ क्रिटिकली एक्लेम्ड एज वन ऑफ द बेस्ट शोज MMA फाइटिंग शोज ऑफ 2019। Most knockouts, best fights, the ruthless environment. Spring Mania was a top-notch event. Shahzada Harun Sohail got knocked down in the main event. ठीक है ना जी, उसके अलावा जो है इब्रार got knocked out, lights out knocked out, नाक टूट गई, खून सारा का सारा निकलना शुरू हो गया, हड्डियाँ तक नजर आ रही by Zahir. ठीक है ना जी, the biggest upset, the battle of the monsters. There was a monster from Pindi who fought with Kami Jatt knocked him out within 5 seconds with one punch knock, theek hai na ji। aur phir bahut zabardast hame fights dekhne ko mili, fighter from Sawat and fighter of Pindi, behtareen kisam ki hame jo hai fights dekhne ko mili Spring Mania ke andar। Spring Mania ke alawa jo hai phir hamare yahan jo hai arm wrestling ka national championship match hua, jisme Waheed jo hai 10000 rupees mali rakam jo hai yahan se jeet ke gaye, theek hai na ji। फिर हमारा थर्ड पॉइंट जो है जो सबसे अच्छी अचीवमेंट हमारी हुई वो हुई कि उसामा बेसिकली इजी बी BJJ के प्लेटफॉर्म पे गए इस्लामाबाद
और बड़ा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट था क्योंकि बेसिकली हमारे ऊपर एक क्योंकि हम लोग प्रो रेसलिंग के बानी हैं, हम प्रो रेसलिंग को पाकिस्तान में लेके आए हैं, तो एक टैग होता है जो WWE फेक शिट है और पता नहीं कर सकते या नहीं कर सकते बिकॉज VCL डज एवरीथिंग एंड उसामा आई एम नॉनदलेस बट वेरी प्राउड ऑफ हिम द वे ही वेंट देयर एंड ही बेसिकली ब्रोक द स्टीरियोटाइप्स ऑफ ऑल द पीपल हु थॉट दैट यू नो वी आर नॉट एबल टू डू इट और वी आर नॉट एबल टू किक एस नॉट ओनली वी किक देयर एस We basically fed them respect. हमने उनको respect जो है ना खिलाई कि भाई respect दो उनके मुँह में घुसाई पूरी के पूरी और उनके मुँह से फिर वो respect निकली भी अच्छे तरीके से But that's how we do. We do things and we make people say कि हाँ ये चीज़ हुई है उसके बाद जो है नेक्स्ट थिंग मैं फोर्थ मोमेंट बनाना चाहता हूँ वो VCL की जो इसमें सबसे टॉप चीज़ है सबसे हॉट चीज़ है वो है बेसिकली बुलेट वर्सेस खान बाबा द हॉटेस्ट राइवलरी ऑफ पाकिस्तान प्रो रेस्लिंग सीन मेरे ख्याल से जो हॉटेस्ट राइवलरी पहले गई थी वो गई थी EZB वर्सेस पठान जो अभी तक चल रही है इट्स अ लेजेंड नाउ इट्स नॉट अ राइवलरी इट्स अ लेजेंड सेकेंड राइवलरी द बेस्ट इन द वर्ल्ड वॉज खान बाबा वर्सेज द ग्रेट खाली विच नेवर हैपन ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस बट वन थिंग कैन हैपन एनी टाइम इन 2020 That's Bullet versus Khan Baba. ठीक है ना जी? That's the thing. Fifth, हमारी जो है सबसे बड़ी memory है Sher Haider beat the living shit out of everybody to win the gold medal in Vaishya Kharagpur. Am I correct or not correct? Correct. Yes, exactly. Sher Haider not only made VCL brethren proud, VCL proud, but he made this one thing clear that he is the ultimate Sher of VCL. And right now 2020 he will walk in again as the lion he is and he's going to fight against a fierce full monster contender very soon you see that in the grappling event he is going to main event inshallah ek bande ko aap bol rahe nahi nahi abhi nahi bola main bata raha hu abhi theek hai na so Sher Haider is one of the best talents VCL has ever produced and VCL is proud of Sher Haider and we are very much looking forward to see Sher Haider go into 2020 and basically kick the living hell out of all the grapplers and be the number one grappler of Lahore and Pakistan eventually inshallah coming back to 6th point I can't be any more proud than this point from where this whole routine started ek pathan Waheed Khan He won his mat wrestling match in VCL against a very qualified mat wrestler in the main event of Vaishya Akhada 1. Vaishya Akhada 1 was a successful event, but it became a legendary event once, like, you know, Waheed Khan in the end, you know, he उसने बंदे को उठाया ऊपर छत पे जाके मारा और डज नीचे जो है ना टू स्टोन फायर ड्राइवर के स्टाइल में बंदे को सर पे उसके जो है नीचे मारा एंड ही स्कोर्ड लाइक यू नो द विक्ट्री दैट विक्ट्री वाज नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर हिम नॉट ओनली इन VCL नॉट ओनली एट फ्रंट ऑफ हिज फैंस उसको बेसिकली आर्मी रिक्रूटर ने जब चेक किया उसने वो फाइट देखी ही बिकेम अ बिग फैन ऑफ हिम एंड ही ऑफर्ड हिम अ जॉब इन आर्मी सो राइट नाउ Waheed Khan इज अ कॉलर्ड ऑफिसर एंड ही इज वर्किंग फॉर आर्मी एंड ही इज रेस्लिंग फॉर आर्मी And mashallah, VCL has brought a positive change in his fighter's life, and VCL can't be anything less than proud at its prospect. So now we are going to the point number 7, Adnan Rehman Saab saga. Adnan Saab, like you know, he basically entered VCL. A lot of head turned because it was an exposure which was coming to us. ठीक है जी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपोजर व्हिच वाज कमिंग टू अस ऑल ऑफ अ वे के यार कौन आ रहे हैं क्या सीन है एंड माशाल्लाह अदनान रहमान साहब लाइक यू नो ही बेसिकली स्पॉन्सर्ड टू ऑफ आवर बेसिकली वन एक्टिविटी वन इवेंट एंड बोथ थिंग्स वर मेगा हिट बिजनेस एक्सपो वाज अ ग्रेट इवेंट इट वाज अ वेरी डिफरेंट वे हाउ टू एक्सप्लेन मार्शल आर्ट्स टू अ डिफरेंट ऑडियंस इट्स नॉट अबाउट जस्ट फाइटिंग इट्स अबाउट लाइक यू नो टेलिंग पीपल telling stories telling experiences of not only like you know martial arts but basically like you know how it's such a beneficial activity which can bring such a positive change in your life so that was one thing second thing into the fire was a one stop hit the moment I recalled that we made the fight card within 3 days the event was successful The event was basically people were coming in the event. It was crazy. Saga or Bullet was amazing. Basically, Usher Murad who cleared that he's going to beat the shit out of EZB in a WWE style in a MMA match. That was a uncalled thing, which basically cleared that he's going to beat him in a WWE style match. But we know the history. What happened? EZB like you know he finished him with the ground and pound.
and he made him know that, you know, WWE is what we do for fun, but we are business when business is called for. And it was an amazing event, amazing super hit event. It captured a lot of eyes, a lot of minds, and it basically broke so many stereotypes. This was a 7 point. I'll say 8 point. Ignition is a very revolutionary point. Yes. Ignition is a very revolutionary point. Ignition ka jo hai basically ek concept leke aana, young talent ko motivate karna aur unko ek perspective dena, unko ek basically wajah dena ki bhai kyun. वैसे तो लोग सोचते रहते हैं जब 5 साल ट्रेनिंग करूंगा फिर मैं जाके लड़ूंगा, 6 साल करूंगा, 2 साल करूंगा, 3 साल करूंगा, बट एज फैक्टर भी है सर के. कई लोग कहते हैं कि आप 25 साल के बाद लड़ नहीं सकते. एग्जैक्टली, बट लोग 40 साल के बाद भी लड़ सकते हैं. या बट इग्निशन गिव्स यू दैट मेटाबॉलिज्म टू बेसिकली डाइजेस्ट एंड एंटर इनटू द फाइटिंग रिंग टू फाइट अ एमएमए फाइट. सो यस, नंबर 8 इग्निशन. इग्निशन इज द पॉइंट. नंबर 9, and this is for the business point of view, because you know when we started in 2019, when we started 2019, we weren't growing a lot. We were barely basically going in the profit. We were not making any profit. We were basically going into loss. But with the development of the new team, the most ruthless team, VCL, and the team consists of managers, coaches, even our basically production team, our basically the team, post-production team, the pre-production team, and most importantly, the way I'm explaining our clients, which are not our clients anymore, they're more like our family members, the way Shaquille is, the way Bullet is. This is like, you know, a big credibility for us, like, you know, the way we have built all the circle together and we are working together. And that's how we are executing all these amazing activities in a one go. Last but not the least, exposure. VCL has been exposed so many times, and exposure has been part of, like, you know, VCL. Exposure VCL ke upar aise aata hai jaise doodh ke upar makhi aati hai. But this year was a little different. We last year or before that, we have been to Babar in the shows, we have been to the, we have basically live 24 channel pe live lagna pure 8 baje se leke 9 baje sabse mega time slot. We have achieved that. But the thing is, this year was a little different. This year, like, you know, sare YouTubers, Quota record, Nasir Khan ja, Adnan Rehman, sare, all these guys, these YouTubers, ये सारे के सारे आए स्प्रिंग मेनिया में. रमान खान द लेजेंड, ओला रिकॉर्ड, देयर वर लाइक यू नो सो मेनी अदर यूट्यूबर्स हु बेसिकली अनामा सर हु बेसिकली केम एंड विजिटेड वीसीएल एंड बेसिकली डिड एक्टिविटीज फॉर वीसीएल. ठीक है ना, इन वीसीएल फरहत बादशाह साहब, बिल्कुल. उसके अलावा जो है जीएनएन न्यूज़ के जो है जबरदस्त एंकर और लीडिंग एंकर और बुलेट के बड़े भाई इमरान खान साहब, उनने भी हमें जो है एक्सपोजर का पार्ट बने. ठीक है ना जी. उसके बाद जो है खान बाबा बुलेट की राइवलरी, द हॉटेस्ट राइवलरी विच इज़ पार्ट ऑफ द न्यूज़ एवरीवेयर, फ्रॉम सिटी 42 टू लाहौर पेट शो टू अमेजिंग डेली पाकिस्तान न्यूज टू समा न्यूज, एवरीवेयर एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट बुलेट वर्सेस खान बाबा. The exposure has been, like, you know, amazing. The fight isn't ready yet. The set isn't ready yet. The venue is not ready yet. But people want to see these behemoths fight. Sir, people want. 2020 में हम एक और काम करने लगे हैं कि TikTok challenges हम देंगे अपने जिम से. इंशाल्लाह. कुछ ऐसे TikTok challenges देंगे जो लोग अचीव करें. तो हम वो TikTok पेज बना रहे हैं VCL के नाम से. इंशाल्लाह. और इंशाल्लाह वो जल्दी 2020 में उसका इफ्तिताह करेंगे और उसमें हम लोगों को चैलेंजेस दिया करेंगे यहाँ पे जिम के. बिल्कुल, दैट्स अ वेरी गुड थिंग. उस्मान भी आपको लेडीज पे करना चाहते पॉइंट. हाँ, यहाँ लेडीज भी आके गेम करती हैं और ये एक फैमिली की तरह है. तो हम कहेंगे कि जो लेडीज यहाँ आके गेम करना चाहती हैं वो हमारी माओ बहनों की तरह है, तो आके गेम करें. ये एक फैमिली स्पोर्ट है और आती भी हैं यहाँ लेडीज गेम करने, तो आप भी आए और यहाँ पे आपको फैमिली मॉल मिले इंशाल्लाह. एंड आई एम वाइंडिंग अप विद द लास्ट वेरी लास्ट पॉइंट, लेडीज से रिलेटेड ही था. एक्सपोजर की बात कर रहे थे, एक्सपोजर में एक और चीज़ ऐड होती है, पेप्सी का बैटल ऑफ बैंड्स का जो पूरे का पूरा शूट हुआ और हमारी लेडीज बेसिकली खतीजा, इकरा, नैना, पेप्सी बैटल ऑफ बैंड्स के अंदर हमारी तीनों फीमेल लीडिंग फाइटर्स जो थी उनने बेसिकली इसमें पार्टिसिपेट किया, लीड किया, एक्ट किया. फिर उसके बाद बहुत फेमस फोटोग्राफर, उस अगेन ब्रदर ऑफ उस्मान बुलेट खान,
Hamza Pandey. He did a shoot with the legendary, with the most legendary, iconic fashion designer Muneeb Nawaz, who has known for his fashion sense all over the world and who has taste of Picasso and style of, you know, any fashionista can think about. He did a shoot with Junaid Khan, who is leading a singer of call and a leading actor in so many amazing dramas. We did shoot with him here in VCL. So VCL 2019 was an amazing year, full of joy, full of experiences, and we cannot wait for 2020. Inshallah, we wait for a very strong 2020, strong team. Thank you, Team VCL. Thank you everybody for loving us and for supporting us. 2019 ka sawal aa gaya hai, 2020 ka aroj aap logo ke naam aur VCL ke naam. Thank you so much. Thank you. Take care.